मेरे तो बिल्कुल ठीक सेट हो रहा था। हाँ बच्चों बेटा, हम क्या कर रहे थे बेटा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के अंदर हमने टाइप थ्री को स्टार्ट करा था और उसके तीन चार क्वेश्चन करे थे। तो बेटा कुछ और क्वेश्चन करते हैं टाइप थ्री के ही, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हर बार आपको एग्ज़ाम में दिखाई देंगे। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेटा क्वेश्चन कुछ इस तरह हैं, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, कहता है क्वेश्चन मैंने लिखा है, तो बेटा एक ही क्वेश्चन में वो दो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कहता है राम पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर जाता है और फिर बाएं घूमकर 10 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं घूमता है तथा 5 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं घूमता है और 6 किलोमीटर जाता है। तो बताओ पहला क्वेश्चन, वह घर से किस दिशा में है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है उसने, वह घर से कितनी दूरी पर है। तो बेटा आपको क्वेश्चन देख के समझ आ गया होगा, आपको दूरी भी निकालनी आ सकती है और दिशा भी। और जब आपको दूरी निकालनी आएगी ना, तो वैल्यू आएंगे बहुत छोटी छोटी नजर आएंगी आपको, ठीक है। तो जब दूरी निकालनी आएगी और दिशा निकालनी आएगी, तो कैसे करना है क्वेश्चनों को सॉल्व, देखो हमें सबसे पहले बताया कि वह राम पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर जाता है, यही बताया हमें, राम पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर जा रहा है। तो बेटा हम सबसे पहले इसको घुसा दो 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, ये भाई साहब 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा लिए। ये तीर का निशान क्या है, ये पूर्व दिशा है। बट एक बार दिशाओं का ज्ञान समझ लो क्या है, अगर ऊपर का है इसका मतलब क्या बेटा नॉर्थ है, अगर नीचे है तो ये साउथ है, और ये इधर है तो ये ईस्ट है, ये क्या है ये वेस्ट है। अगर मैं ऐसे तीर बनाता हूँ तो ये नॉर्थ ईस्ट, अगर ऐसे तीर बनाता हूँ तो साउथ ईस्ट, अगर ऐसे तीर है तो साउथ वेस्ट, और यहाँ से तीर है तो नॉर्थ वेस्ट, क्लियर है। तो बेटा ये तीर का ध्यान रखना, बस जिस तरफ तीर बनना है उसी डायरेक्शन को शो करना है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को, राम पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमकर, पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है फिर बाएं घूमकर, तो देखो थोड़ा सा नीचे, पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर जा रहा है वो जी, इसको जाती हूँ 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमकर, तो बाएं तो लेफ्ट साइड इधर होगा, तो फिर बाएं घूमकर बेटा कितना चलता है, फिर बाएं घूमता है, घूमकर 10 किलोमीटर जाता है, यहाँ से 10 किलोमीटर चला गया भाई, 10 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं घूमता है तथा 5 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है, यहाँ से 5 किलोमीटर चल दिया ये, पुनः बाएं घूमा और 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं घूमेगा। तो बेटा एक बात बताना, लेफ्ट राइट का मतलब समय, अब वो इधर आ रहा है, फिर बाएं घूमेगा 6 किलोमीटर जाता है, तो इसका मतलब क्या है, बाएं घूमता है यहाँ पर, ये हो गया 6 किलोमीटर बेटा, दिखाई दे रहा है। तो बेटा यह क्या है, 6 किलोमीटर, तो कहते हैं 6 किलोमीटर जाता है। तो बताओ पहला क्वेश्चन, वह घर से किस दिशा में है, तो वो बताना सबसे पहले यहां से, ये यहां पर है और हमारा घर से चलना स्टार्ट करा था, ये हमारा घर था, ये बात क्लियर है। ये हमारा क्या है बेटा, ये एरो जो है ये घर है, ध्यान रखना ये घर है हमारा। तो एक बताओ ये हमारा घर को बता रहा, तो बता रहे ये पूछता है कि घर से वह किस दिशा में है, तो वो यहां पर है, तो एक बताओ वो घर से किस दिशा में हो गया। तो जब आपसे पूछे ना, जिस पॉइंट से आपसे पूछता है डायरेक्शन, वहीं पर क्या बना दो, आप क्रॉस बना दो बेटा, यहां से वो किस दिशा में है एक बार देख लो, तो उसी पॉइंट पे क्रॉस बनाना है। तो ये दिशा कौन सी है बेटा, यहां से लेके कौन सी दिशा हो गई ये वाली, तो इन दोनों दिशाओं के बीच की दूरी, ये क्या है नॉर्थ और ये क्या है ईस्ट, तो वो कौन सी दिशा में है। तो बेटा पहले क्वेश्चन है, वह घर से किस दिशा में है, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में, क्लियर है, क्योंकि वो घर से इस दिशा में। तो बेटा ध्यान रखना, जिस पॉइंट पर पूछेगा ना वहीं पे आपको प्लस का सिंबल बना देना, प्लस का सिंबल जो डायरेक्शंस को शो करता है हमारी, ये क्लियर है। तो हमसे पूछा घर से, तो यहीं से चलना स्टार्ट करा था, 8 किलोमीटर चलता है पूर्व दिशा में, तो बेटा घर यही है हमारा, क्लियर है। घर बना के तो दिखा नहीं सकता भाई, ड्रॉइंग है तो इतनी अच्छी नहीं है मेरी की ड्रॉइंग में घर बना के दिखाऊं, आप समझ लेना कि पॉइंट घर है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, घर से वे किस दिशा में है, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी, मतलब आप बोलोगे उत्तर पूर्व डायरेक्शन में, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, वह घर से कितनी दूरी पर है, तो एक बताओ घर उसका यहाँ है बेटा और वो यहाँ पर है, तो एक बात मुझे बताओ यहाँ से दूरी बतानी है, मतलब ये वाली दूरी बतानी है आपको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो एक बात बताओ, कहीं ना कहीं ट्रायंगल बना रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, वो कैसे बना रहा होगा बेटा, देखो जब ये पूरा यहां से लेके ये पूरा 10 किलोमीटर है, ये 10 और ये 6 है, तो ये बचा हुआ बेटा कितना हो गया, ये नीचे का यहां से लेके यहां तक का, ये हो गया बेटा 4 किलोमीटर, जो राइट पेन से बना रहा हूं मैं, ठीक है, अलग अलग मार्कर इसी वजह से यूज कर रहा हूं। जब ये 4 किलोमीटर हो गया
और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक ये कितना बेटा 8 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है, तो बेटा ये भी जो 5 किलोमीटर होगा, ये 5 किलोमीटर है और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 8 किलोमीटर है, तो ये कितना बचा बेटा, ये 3 किलोमीटर बच गया। ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर है और ये सीधा है, तो ये देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा, तो मुझे पता लग गया जो ट्रायंगल है, मान लो इस पॉइंट के नाम दे देता हूँ मैं, इस पॉइंट का नाम है ए, जो घर है उसका, जहाँ के वो रुक गया उस पॉइंट का नाम है बी, और ये हमने पॉइंट सी बना लिया। ठीक है, तो एक पॉइंट बना मेरे पास बेटा, क्या ये वाला, इधर देखो ध्यान से, इस तरह की कुछ डायरेक्शन बन रही है मेरे पास, ये बी पॉइंट है बेटा, ये ए है और ये सी है, ये बेटा 3 है, ये 4 है, तो बेटा ये बताना आपको ये कितना होगा, तो 3 4 और इसका ट्रिपलेट याद होगी, तो 3 4 तो हमें पता है 5, पर हम फिर भी निकालेंगे इसको। तो एक बात मुझे बताओ बेटा, ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, तो 90 डिग्री कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मतलब बेटा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आधार और लंब या परपेंडिकुलर बेस को इसमें नहीं पूछता कि बताओ परपेंडिकुलर से बेस, सिर्फ आपसे पूछेगा बताओ कितना है। ठीक है, मेजरमेंट पूछेगा, तो एक बताओ हाइपोटेनियस कितना है बेटा, मुझे निकालना है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मुझे निकालना है परपेंडिकुलर, इसको मान लूं या इसको, जो आपका मन करे उसको मान लेना, आंसर सेम आएगा बेटा, 4 मानता हूं मैं, तो 4 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 16, फिर बी कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 9, और 16 और 9 बेटा कितना हो गया 25, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 25, तो बेटा एच जो होगा वो 25 पर जाके रूट लग जाएगा, स्क्वायर दर जाके रूट बन जाएगा, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा बेटा 5। तो आप मुझे पता लग गया कि ये क्या आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए बी के बीच की जो दूरी है वो क्या है 5 किलोमीटर है, मतलब मुझे पता लगा ए बी के बीच की दूरी मतलब ये वाली, उसके घर से लेके और जहाँ के वो लास्ट में रुका उस पॉइंट की दूरी कितनी है बेटा 5 किलोमीटर। और आपको ट्रिपलेट याद होगी ना, तो आपको ये दूरी निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे, क्लियर है बात सबको पक्का। तो बेटा इस चीज़ को ध्यान रखना, ट्रिपलेट बहुत जरूरी है, तो मैंने आप स्टार्टिंग में 4-5 ट्रिपलेट लिखवाई भी थी, वो ज़्यादातर पेपर में रिपीट होती हैं, पर ट्रिपलेट बनाना सिखाऊंगा मैं मैथ्स में। ठीक है, देखते हैं बेटा अगले क्वेश्चन, तो इसमें 2 क्वेश्चन थे तो शायद बहुत अच्छे से समझ आएंगे, डायग्राम बनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे जैसे आपसे बोलता जाए वैसे वैसे बनाते जाओ, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो इतना डायग्राम इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहली बार कर रहे होंगे तो उनको दिक्कत आती है, तो इससे एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ करके, अदरवाइज इसी डायग्राम से आंसर निकल जाता है। हमसे पूछता है, मैंने बताया था देखो इन ऐसा क्रॉस में तीर दिखाई दे और तीर का मुंह उस तरफ है, था नॉर्थ ईस्ट, पता लग गया था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, यहीं से तो डायरेक्शन पूछिए उसके घर से, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन करने की जरूरत ही नहीं थी सब कुछ, ये 3 है ये 4 है तो पता है ये 5 ही होगा। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान रखना ट्रिपलेट लगेगी लगेगी 200%। ठीक है, चलो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, कहता पवन अपने घर से 10 किलोमीटर पूर्व में जाता है, जैसे जैसे बोला वैसे बना रहा हूँ, पवन अपने घर से 10 किलोमीटर कहाँ गया जी, 10 किलोमीटर ध्यान रखना, अपने घर से, ये घर उसका है, ये डॉट है घर है, ध्यान रखना, ये पवन अपने घर से 10 किलोमीटर कहाँ जाता है, पूर्व दिशा में चलता है, चला दिया जी, फिर बाएं घूमकर 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमा तो बाएं तो लेफ्ट साइड है बेटा, तो बेटा लेफ्ट बाएं घूमकर और 12 किलोमीटर चलता है, ये कितना चल गया 12 किलोमीटर, बाएं 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमकर 35 किलोमीटर चलता है बाएं, तो फिर दोबारा इधर आएगा, लेफ्ट तो यही होगा, और 35 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 35 किलोमीटर चलता है, यहां पर आ गया, 35 किलोमीटर चलता है, फिर 180 डिग्री बाएं घूमता है। अच्छा एक बात बताओ, जो आदमी इधर जा रहा है और 180 डिग्री बाएं घूम रहा है, मान लो मैं हूं, मेरा मुंह इधर है और 180 बाएं घूम रहा है, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, या तो बाएं घूमे तब भी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, अगर वो दाएं बोलता तो तब भी अपोजिट डायरेक्शन में आता, क्लियर है। जैसे मैं यहाँ हूँ, मेरे को बोल दे 180 डिग्री बाएं घूमो, तो मेरा लेफ्ट साइड यही है, तो मैं ऐसे घूमूंगा बेटा तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में आ जाऊंगा, जो डायरेक्शन पीछे थी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो बेटा जैसे ही कहते हैं तो 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री बाएं घूमता है, तो 180 डिग्री बाएं घूमता है, जो उसका जो तीर है, जो इसकी चोंच इस तरफ थी, अब वो चोंच किधर होगी होगी बेटा, इस तरफ होगी होगी, क्लियर है।
वो चोंच कहाँ होगी होगी, इस तरफ होगी होगी। तो 180 डिग्री बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, बाएं घूमता है और कितना किलोमीटर चलता है बेटा, इसी ट्रैक पे वापस आ गया, क्लियर है, उसी ट्रैक पर वापस अपोजिट हो लिया, क्योंकि 180 डिग्री उसने बाएं घुमा दिया। बाएं घुमा दे या दाएं घुमा दे बात एक ही है, ठीक है, अगर 180 डिग्री घुमा रहा है वो तो सेम डायरेक्शन होगी वो, तो एक 5 किलोमीटर चलता है, तो बेटा ये 5 किलोमीटर दोबारा चल दिया, ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आ गया वो, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो 5 किलोमीटर चलता है, तो बताओ वह किस दिशा में जा रहा है। तो एक बार बताओ, मैं अगर ऐसा तीर बना दूं, ऐसे तीर बना दूं और ये यहाँ पर लिख दूं 5 किलोमीटर, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, वो कौन सी दिशा में, वो ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में है, पूर्व। तो बेटा पहले क्वेश्चन का तो आंसर हमारा यही खत्म हो जाता है, तो बताओ वह किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है बेटा, वो पूर्व दिशा में जा रहा है, पूर्व ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, क्लियर है। तीर का मतलब क्या है, ऐसा राइट तीर किसको शो करेगा, ईस्ट को करेगा। अब उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा, इसी क्वेश्चन में उसने कुल कितनी दूरी तय करी, तो उसने कुल कितनी दूरी तय करी उसका आंसर निकाल दे बेटा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, तो उसने कुल कितनी दूरी तय करी, तो एक बेटा 10 किलोमीटर तो ये करी थी उसने, 12 किलोमीटर फिर दोबारा ये चला था, फिर 35 किलोमीटर ये गया था और फिर 5 किलोमीटर वापस भी आया था, तो इन सबको प्लस करूंगा तो बेटा कितना आ रहा है, 62 किलोमीटर आ रहा है। तो उसने कुल कितनी दूरी तय करी है, अगर हमसे पूछे कि उसने कुल कितनी दूरी तय करी है, तो बेटा कितनी करी है बेटा, 62 किलोमीटर की दूरी तय करी है। तो आपको डरना नहीं है बेटा, सिर्फ तीर पे ध्यान देना है और जैसे जैसे चले और वैसे चला दो यार, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इस तीर का मतलब है ईस्ट डायरेक्शन, इस तीर का मतलब है वेस्ट, इसका मतलब है बेटा नॉर्थ, इसका मतलब है साउथ। अगर ये तीर ऐसे है तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये क्या है नॉर्थ वेस्ट, ये क्या है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये क्या है बेटा साउथ ईस्ट। तीर पे ध्यान दो, क्वेश्चन खत्म है, क्वेश्चन टफ नहीं है बेटा, टफ लगते हैं जैसे जैसे बोले, बस आपको लेफ्ट राइट का समझ आए कि लेफ्ट राइट क्या है। और मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करा डायरेक्शन को, तो तीर को अपना मुंह मानना, ठीक है, अपना फेस मानना, तो एक तरफ लेफ्ट और एक तरफ राइट, क्लियर है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं आएंगे, ठीक है। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसी पर ही, देखो कैसे क्वेश्चन है और देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, कहता है अंकुश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 12 किलोमीटर चलता है, कहता है अंकुश पश्चिम दिशा है, तो पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करा दो भाई साहब इसको, अंकुश भाई साहब है और ये यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना, और ये 12 किलोमीटर किधर चलते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में चलते हैं, पश्चिम दिशा में चलते हैं, वहां से 135 डिग्री वामावृत घूर्ण करता है। तो बेटा वामावृत का मतलब मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर बता दिया होगा, टर्न लेफ्ट साइड, क्लियर है, या एंटी क्लॉकवाइज, वामावृत का मतलब यही था। अब 135 डिग्री साहब, यहां से 135 डिग्री कैसे घूमा जाए, तो एक बार बताओ अगर ये 90 डिग्री घूमता है तो ऐसे इधर इधर मुंह आ जाएगा, 90 डिग्री से तो ज्यादा घूमना है हमें, अगर मैं 90 डिग्री घुमाऊं तो मैं एक बात सिंपल से समझा के दिखा रहा हूं आपको, 90 डिग्री बोलता हूं तो इधर मुंह आ जाएगा उसका, अब हमें 90 डिग्री से 135 डिग्री घुमाना है तो 45 डिग्री और घुमाना पड़ेगा, मतलब यहां पर और चाहिए हमें, तो मतलब यहां से भाई साहब किधर घूमेंगे, ऐसे 135 डिग्री वामावृत घूर्ण करा दिया तथा 13 किलोमीटर चलता है, यहां से जैसे 135 डिग्री घूमे वामावृत, तो ये क्या है, देखो यहां से लेके, अब बेटा डायरेक्शन ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहां से यहां तक देखना, ये पूरा 135 डिग्री नजर आएगा आपको, ठीक है, तो 135 डिग्री क्योंकि ये 90 हो गया और ये 45 हो गया, ठीक है, तो 135 डिग्री, तो यहां से कहता है वामावृत घूर्ण करता है, तो एक बात आपको समझ आ गई कि भैया यहां से वामावृत घूर्ण करने का मतलब आपको क्या, टर्न लेफ्ट साइड। अब वो कितना चलता है, 13 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है बेटा, 13 किलोमीटर चलता है। तो आपसे पूछा है उसने, बताओ क्या, बताओ पहला क्वेश्चन, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान मतलब जहां से उसने चलना स्टार्ट करा था, स्टार्टिंग, अंकुश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो अंकुश ने कहां से चलना प्रारंभ करा था, इस डॉट से, तो यहां से लेके यहां तक की कितनी दूरी है ये आपको समझानी है, ये निकालनी है आपको, ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी बतानी है, पहला क्वेश्चन, तो यहां से एक पाइथागोरस लग रही है यहां पर, ये 90 डिग्री बन गया, तो एकदम 90 डिग्री क्या है, ये हाइपोटेनियस है, क्लियर है,
तो ये क्या है, बेस मान लो या परपेंडिकुलर मान लो, कुछ भी। तो एक बार बताओ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस मतलब कर्ण का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर। बेस या तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो किसी में वैल्यू पुट कर लो जो आपका मन करे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगा बेस लग रहा है, तो बेस मान लो इसको, बहुत सारे बोलेंगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की जगह रख दो, एक वैल्यू निकालनी है आपको बस। तो बेटा मान लो परपेंडिकुलर में मान लेता हूँ 12 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर कितना, इधर आके माइनस होगा, तो बेटा एक बार कर लेते हैं, 144 प्लस में बी का स्क्वायर, तो 169 माइनस में 144 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। 169 से 144 माइनस करा तो बेटा कितना है, 25 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में 25, और 25 का रूट क्या होता है बेटा, 5। तो आपको पता लग गई यहां से लेके और यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है बेटा, 5 किलोमीटर है। तो पहला ही आंसर है, आपको ट्रिपलेट याद हो ना, तो 12 ये 13 है, तो ये क्या आ गया बेटा, 5 आएगा। क्लियर है ये बात आपको, तो आपको समझ आएगा कि भाई ये 12 ये 13 तो ये क्या बेटा, 5। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता लग गया, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है साहब, 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यही बोलता है आपकी। क्लियर है ये बात सबको। अब वो होता है वह किस दिशा में जा रहा है, अब वो क्या है किस दिशा में जा रहा है, तो ये बताओ तीर तो यही है ना बेटा, यही है ना तीर, यहां से 135 डिग्री जैसे टर्न कर रहा, तो अगर मैं बोलूं ये डायरेक्शन कैसी है बेटा, ये जो तीर कमान है इसी अगर जाएगा तो सीधा ही जाएगा साहब, ठीक है। तो किस दिशा में जा रहा है, तो बेटा एक बार बताओ ये वाली जो डायरेक्शन है, ऐसे वाली डायरेक्शन किस डायरेक्शन में शो करती है, तो मैंने अभी आपको बार बार बता रहा हूं एक चार्ट को, तो ये डायरेक्शन है इसकी, है क्लियर है। तो बेटा ये क्या होगी, साउथ ईस्ट, तो कौन सी डायरेक्शन है ये, किस दिशा में जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा बेटा, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। क्लियर, किस दिशा में जा रहा है, अगर वो बोल देता कि बताओ प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में जा रहा है, तो यहीं पे आप क्या मानते, ऐसे करके एरो मानते, और तब भी एरो नीचे की तरफ आ रहा होता। क्लियर है, तो बेटा प्रारंभिक से अलग है, तो अब किस दिशा में जा रहा है, वो नॉर्मली दक्षिण पूर्व। क्लियर है, तो बेटा हमारा आंसर क्या है, दक्षिण पूर्व सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, और पहले वाले का 5 किलोमीटर, ठीक है। देखो और क्वेश्चन इसी में क्या है, देखो बेटा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। क्या है, कहता सुनीता 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है, बेटा सुनीता है 10 किलोमीटर है, तो यहां से बोल दूं 10 किलोमीटर कहां गई, उत्तर दिशा में गई, तो 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में गई, तो ये उत्तर का एरो है। क्लियर है, चलती है फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाती है। अब 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में मतलब जिस दिशा में जाती है वहीं से अपोजिट वापिस आएगी, अगर मैं ये उत्तर है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, दक्षिण होगा, मतलब इसी ट्रैक पे उसको वापस आना है। तो बेटा कितना आना है उसको, वो भी 6 किलोमीटर, तो यहां से वापस 6 किलोमीटर आई, ये 6 किलोमीटर आ गई वापस। क्लियर है, ठीक है। अब 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलती है, फिर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है, तो बेटा यहां से पूर्व किस डायरेक्शन में होगा, यहां से पूर्व ये हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया साहब, यही हो गया, पूरे दिशा में चलती है। तो बताओ मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान भाई साहब क्या है उसका, प्रारंभिक स्थान है ये, और वो अब यहां पर है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, बन गया ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये यहां से लेके पूरा यहां से लेके यहां तक 10 है, और यहां से लेके यहां तक 6 है, तो ये बचा हुआ क्या होगा बेटा, 4 किलोमीटर होगा, नहीं होगा, तो बेटा ये 4 है ये 3 है, तो मुझे ओरली पता होता है ये क्या होगा बेटा, 5 किलोमीटर होगा, क्या होगा 5 किलोमीटर। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर, और नहीं तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, तो बेटा ट्रिपलेट याद कर लो एक बार, ठीक है, अभी याद कर लो, बनाना सिखा दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, वरना देखो एक बार। तो बेटा ये क्या है मेरे पास, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, वहां पे बेस और परपेंडिकुलर आपस में जुड़े होते हैं, तो बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेटा कितना, मान लो 3 है, 3 का स्क्वायर, बेस कितना है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो एक बात मुझे बताओ, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 4 9 कितना हो गया बेटा 25 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर 25 है, इस पर जाके अंडर रूट लग जाएगा, तो 25 अंडर रूट क्या आएगा, इसका मतलब 5 आएगा। वो कितनी दूरी पर है,
प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बात समझ आए? तो ऐसे क्वेश्चन भी बोल सकता है। तो एक बात बताना मुझे, मैं मेरे को कमांड दे दी इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 10 किलोमीटर कहाँ जा, उत्तर दिशा में जा, 10 किलोमीटर आगे में उत्तर दिशा में मान लो। फिर मेरे को बोला, क्या बोला उसने, फिर 6 किलोमीटर किस में जाना है, दक्षिण में जाना, तो 6 किलोमीटर दक्षिण में जाना, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में चलना स्टार्ट कर दूं हमें, तो तभी मैं इसको सेम ट्रैक पे लेके आया, ठीक है। फिर मेरे को डायरेक्शन दे दी पूर्व दिशा में, तो फिर पूर्व दिशा में चलना स्टार्ट कर दिया। तो इस बात को थोड़ा सा समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं, पर बहुत ईजी है, ठीक है। बस थोड़ा सा अपना दिमाग हाजिर करके क्वेश्चनों को करोगे तो हो जाएंगे सॉल्व, ठीक है। देखते हैं और क्वेश्चन इसी कहीं। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है, घुमाता रहेगा और आपको लगेगा कि परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बेटा कई बार देखना है कि परफेक्ट आंसर भी नहीं दिया होता पेपर में, रूट में भी आंसर दिया होता। देखो इसका आंसर रूट में आएगा, कैसे आएगा, राजू किसी बिंदु पर खड़ा है, मान लो किसी बिंदु पर खड़ा है, मान लो यहाँ पर राजू को मैंने खड़ा कर रखा है इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर खड़ा है, वहां से 20 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, 20 किलोमीटर कमांड दे दी साहब पूर्व दिशा में चल दिया, ये 20 किलोमीटर पूर्व में चल दिया, फिर 10 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, फिर 10 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, 10 किलोमीटर दक्षिण में चला गया, दक्षिण नहीं चाहिए बेटा, 10 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, फिर 35 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, फिर 35 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, तो पश्चिम डायरेक्शन यही है, ये 35 किलोमीटर आ गया पश्चिम में, क्लियर है, 35 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है, फिर 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता, अभी पश्चिम में जा रहा है, तो पश्चिम का जस्ट अपोजिट होती है, वेस्ट का जस्ट अपोजिट होती है ईस्ट, मतलब पूर्व दिशा, फिर 5 किलोमीटर जाता है, तो बेटा एक बताओ सेम ट्रैक पे चल देगा वो वापस, सेम ट्रैक पे बेटा कितना चलना है उसको, 5 किलोमीटर चलना है, कितना, 5 किलोमीटर चलना है, क्लियर है। यहां जाके अभी ये खड़ा हो गया, 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है, तो बताओ वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है, मतलब यहां से और प्रारंभिक स्थान यही है, यहां की दूरी पूछिए आपसे, ये पूछिए आपसे। तो एक बात बताऊं, यहां से प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी निकालनी है, तो बेटा डरना थोड़ी है हमें, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हमारा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जब ये यहां से यहां तक पूरा 20 है, तो ये पूरा अगर मैं ऐसे डैश डैश कर दूं तो यहां से यहां तक, तो ये यहां से लेके यहां तक ये भी 20 होगा, 20 किलोमीटर हो गया। अब ये पूरा 35 है, और जिसमें से यहां से लेके यहां तक क्या है बेटा, 5 किलोमीटर है, तो यहां से लेके यहां तक जो बचा वो कितना बचा बेटा, 10 किलोमीटर बच गया, यहां से लेके यहां तक ये वाला इस डॉट पर, ये 10 किलोमीटर बच गया। जब ये 10 किलोमीटर है, और देखो 10 किलोमीटर है, तो देखो ये 10 किलोमीटर है, तो ये भी 10 किलोमीटर है, जस्ट रेक्टेंगल बन रहा है, तो बेटा ये भी 10 किलोमीटर है, तो ये बताना आपको कितना आएगा। तो बच्चे थोड़े से पढ़े लिखे हैं, तो मैं फटाफट बोल दूंगा कि भैया ये क्या है, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 10 का स्क्वायर, तो ये मैं बोल सकता हूँ 10√2 आंसर है मेरा, क्लियर है। तो पर फिर भी हम करके देखते हैं इसको कि कैसे आएगा 10√2, तो बेटा हमें निकालना है, तो इस बार क्या निकालना है, जो टेढ़ा है ना वो हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, क्लियर है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 10 का स्क्वायर प्लस में बेस कितना है, 10 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल टू क्या है, ये भी क्या है, 100 प्लस में 100, तो हाइपोटेनियस क्या आएगा, √200, ठीक है। अब इस 200 के फैक्टर करने पड़ते हैं हमें, तो बेटा यहीं पे फैक्टर करके काम खत्म करो ना इसके, 200 के फैक्टर करने पड़ेंगे हम आपको, तो 200 के फैक्टर किससे करोगे, पहले 200 जाएगा फिर 100 आएगा, फिर 10 से जाएगा फिर 10 आएगा, फिर 10 से जाएगा फिर 1 आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √10 × 10 × 2, जिसके जोड़े बन रहे हैं वो बाहर आ जाता है रूट से, ध्यान रखना, जिसके जोड़े बन रहे हैं वो बाहर आ जाता है, और जिसके जोड़े नहीं बन रहे वो अंदर ही पिसता रहता है। तो एक बताओ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √ में कितना, किसके जोड़े बन रहे हैं, 10 के, तो 10 तो बाहर आ जाएगा, और √ में क्या बचेगा बेटा, 2, और हमारा तो सब कुछ किलोमीटर में चल रहा है, तो बेटा हमारा आंसर क्या आएगा, किलोमीटर में आ गया। तो हाइपोटेनियस मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये 10√2 किलोमीटर है, क्लियर है। तो ऐसे रूट में भी आंसर दे रखा होगा पेपर में, तो ये मत सोचना कि सारे क्वेश्चन ट्रिपलेट पे सेट आएंगे, सारे क्वेश्चन सेट नहीं आएंगे, हो सकता है एक दो क्वेश्चन अलग आ जाएं आपको, ठीक है।
तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना। मेरे हिसाब से आपको मैंने क्वेश्चन डायरेक्शन बेस पे भी करा दिया, नॉर्मल वैल्यू के हिसाब से भी करा दे, थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन भी करा दिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के आपको घुमाने वाले क्वेश्चन वो ईजिली आपको सॉल्व कर लोगे। बस एक बात ध्यान रखना आप इस वाली टाइप के अंदर, बस आपको क्या है, जब आप डिग्री को रोटेट करोगे ना तब आपको समझ जाना है। बस बेटा मैं इधर जा रहा हूँ, मेरे से बोल रहा है आप पश्चिम दिशा में जा रहे हो, मैंने बोला इस चीज को ध्यान रखना, ये चार पांच पॉइंट है इनको ध्यान रखना। आप 180 डिग्री बाएं घूम जाओ, तो बेटा 180 बाएं घूमूंगा मतलब 180 है तो वापस क्या आऊंगा, उसी ट्रैक पे आऊंगा एक तो पहली बात, और बेशक इसी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आऊंगा अगर 180 डिग्री घूमता हूं, या तो बाएं घुमाए या दाएं घुमाए। तो एक चीज तो इसको याद रखनी है, एक बोलेगा वामावृत घूर्ण, ठीक है। तो वामावृत का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देगा तो बेटा क्लॉकवाइज तो आप समझ जाओगे देख के, और जब एंटी क्लॉकवाइज देगा मतलब लेफ्ट राइट टर्न करना है आपको। अगर मैं बोलूं यहीं से, मैं आपसे बोलता हूं यहीं से वो वामावृत कितना घूमता है, यहीं से अगर मैं बोलूं तो वामावृत कितना घूमता है हमसे बोले, तो बेटा मान लो 135 डिग्री बोला था, तो 135 डिग्री मतलब यहां से घूमता ऐसे टर्न लेता तो ये 90, तो 135 डिग्री कहीं ना कहीं यहीं आएगा। क्लियर है बात सबको? तो आपको 135 पे ध्यान देना मेनली, या तो वामावृत मतलब एंटी क्लॉकवाइज बताएगा या क्लॉकवाइज बताएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, चीजों को बस देखते जाना है कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, और रूट में आ जाए तो जो जोड़े बने उसको बाहर निकाल देना, बाकी को रूट में छोड़ देना, ठीक है। तो बाकी मेरे उम्मीद है कि भाई क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, बाकी कोशिश अगर आपको दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं कुछ और इस टाइप के क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है। तो बेटा प्रैक्टिस कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टाइप के साथ, कुछ और नए क्वेश्चन लाएंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के, ताकि आपको लगे कि हाँ हम डिस्टेंस डायरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ओके।